क्या आप लोग जानते हो कि हमारी धरती में जीवन का शुरुआत कैसे हुआ, जिंदगी कैसे धरती में आई? तो यार शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखो, क्योंकि आज मैं आपको 100% सच्चाई बताने वाला हूं कि आखिर जीवन शुरू कैसे हुआ। गाइज, ये सब शुरू होता है 19वीं सदी से, जब हम इंसानों ने जिंदगी को समझना शुरू कर दिया था। गाइज, इस भूल में मत पड़िएगा कि डार्विन ने जिंदगी की शुरुआत की थियोरी दी थी, डार्विन ने केवल इवोल्यूशन की थियोरी दी थी। जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई ये हमको दो साइंटिस्ट ने बताया, एक का नाम था एल मिलर और दूसरे का नाम था हेरोल्ड सी यूरी। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने अपने लैब में पानी के ऊपर बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैराया, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गाइस, करोड़ों साल पहले हमारी धरती में भी कुछ ऐसी कंडीशंस थी जब हमारी धरती में ऑक्सीजन तो नहीं थी, मगर मीथेन थी और बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो उन्होंने भी अपने लैब में कुछ ऐसी कंडीशन तैयार कर दी। लगभग एक हफ्ते तक उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने देखा कि 15% कार्बन जो कि उस सेटअप में उन्होंने लगाया था, जैसे कि मीथेन लगाया था, अमोनिया लगाया था, तो उसका 15% कार्बन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, एमिनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स ही सेल्स बनाते हैं और सेल्स से ही जिंदगी शुरू होती है। तो जब इन लोगों को एमिनो एसिड्स मिल गया, तब इन लोगों ने समझ लिया कि जिंदगी की शुरुआत कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हुई है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है यार, तो वीडियो को लाइक ठोको। लाइक क्यों नहीं करते हो यार, आपके छोटे भाई का चैनल है।